खुशियाँ तकदीर में होनी चाहिए, तस्वीर में तो हर कोई मुस्कराता है। हाय, मैं सूरज राम राजपूत, DAV इंटर कॉलेज आलीपुर खेड़ा से आपके लिए लेकर उपस्थित है कक्षा 12 गणित। टॉपिक चल रहा है समाकलन क्रम से, प्रश्नावली 12D, और देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 1। इंटीग्रेशन dx अपॉन a प्लस बी साइन एक्स। ठीक है, इस प्रकार का सवाल आपके सामने है। माना i बराबर 1 अपॉन a प्लस बी साइन एक्स dx। प्रश्न को क्या करेंगे, समघाती बनाएंगे। तो समघाती कैसे बनेगा, जब समघाती बनाने जाएंगे प्रश्न को तो क्या करना पड़ेगा, i बराबर 1 अपॉन a प्लस हाफ एंगल का सूत्र, क्या होगा हाफ एंगल का सूत्र, b2 साइन xy2 कॉस xy2 dx, कॉस स्क्वायर xy2 से अंश बाहर में भाग देने पर i बराबर, आप जानते हो तो ठीक है, ऊपर लिख देते हैं एक ही बार, क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर xy2 बन गया ऊपर, क्यों cos से भाग देंगे, 1 अपॉन cos स्क्वायर sec स्क्वायर बन गया। यहाँ भी क्या बन जाएगा, a sec स्क्वायर xy2 प्लस 2b tan xy2 dx। i बराबर sec स्क्वायर xy2 अपॉन a कोष्टक 1 प्लस tan स्क्वायर xy2 2b tan xy2 dx। i बराबर माना tan xy2 बराबर t sec स्क्वायर xy2 1 अपॉन 2 dx बराबर dt, तो क्या प्राप्त होगा, sec स्क्वायर xy2 बराबर 2dt। मान रखिए ऊपर वाले तो dt में चले गए, क्या बचा a कोष्टक 1 प्लस t स्क्वायर प्लस के 2bt इंटू में 2dt। i बराबर 1 अपॉन a कॉमन, जबरदस्ती कॉमन लिया तो क्या बचा, t स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ba अपॉन t इंटू में 2dt। i बराबर 2 अपॉन a 1 अपॉन t स्क्वायर 2b अपॉन a t प्लस 1 dt। i बराबर 2 अपॉन a इंटीग्रेशन t स्क्वायर 2b अपॉन a t प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर जोड़ दिए, b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर घटा दिए, प्लस 1 पहले से लिखा है dt। i बराबर 2 अपॉन a इंटीग्रेशन 1 अपॉन, इसका आधा किया तो b अपॉन a आया, ठीक है, t प्लस b अपॉन a का होल स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर डी टी, टी प्लस बी अपॉन ए बराबर एस, डी टी बराबर डी एस, आई बराबर टू अपॉन ए वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए होल स्क्वायर डी एस टू अपॉन ए। सूत्र किसका है? वन अपॉन ए टेन इनवर्स एस अपॉन ए प्लस सी, इस ए तो कट जाएंगे, टू अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टेन इनवर्स ए एस बन जाएगा। क्या मान? ए टी प्लस बी, ए टी प्लस बी अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी, टू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टेन इनवर्स ए टी, टी का मान रख दीजिए, टी का मान क्या है? टेन एक्स वाई टू। तो ए टेन एक्स वाई टू प्लस बी अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी, दैट इज योर आंसर। ठीक है, इस तरीके से ये प्रश्न आपको सॉल्व करना है। क्या करना है? समघाती बनाना है। तो सबसे पहले समघाती त्रिकोणमिति में प्रत्येक पर एक एक करके दो हों या क्लियर दो, समघात यानी दो घातें होनी चाहिए उस पर, दो घातें आपको बनानी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जब समघाती बन जाता है तो क्या करते हैं? कॉस से भाग देते हैं, कॉस स्क्वायर बना के, कॉस स्क्वायर से भाग दे दिया उसमें। क्वेश्चन नंबर दो, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन टू प्लस साइन टू एक्स, माना आई बराबर वन अपॉन टू प्लस साइन टू एक्स डी एक्स, आई बराबर वन अपॉन टू प्लस टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। एक और एक, एक घात इस पर एक घात इस पर, दो घातें हो गई, तो पूरा क्या बन गया? समघाती बन गया। जैसे ही समघाती बना वैसे ही क्या है? कॉस स्क्वायर एक्स से अंश बाहर में भाग देने पर, अंश बाहर में भाग देने पर आई बराबर इंटीग्रेशन वन अपॉन, वन अपॉन जो बनेगा वो ऊपर क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस टू टेन एक्स डी एक्स, आई बराबर सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू कोष्टक वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस टू टेन एक्स डी एक्स, आई बराबर एक बटे दो, दो तो कॉमन निकाल दिए बाहर, कॉमन निकाल दिए बाहर, ऊपर क्या है? सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या आएगा? टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स प्लस वन डी एक्स, माना टेन एक्स बराबर टी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी, आई बराबर इंटीग्रेशन वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन, वन अपॉन टू तो चल ही रहा पहले से, और क्या आएगा? डी टी। इसके लिए वही मेथड है जो अब तक आपने सीखा है, होल स्क्वायर बनाते हैं, टी स्क्वायर प्लस टी, इसका आधा एक बटे दो, उसका वर्ग एक बटे चार जोड़ दिए, एक बटे चार घटा दिए, धन का एक पहले से लिखा है डी टी, आई बराबर
एक बटे दो इंटीग्रेशन यहाँ से यहाँ तक क्या बन गया, टी प्लस एक बटे दो का होल स्क्वायर प्लस तीन बटे चार डी टी। टी प्लस एक बटे दो बराबर एस, डी टी बराबर डी एस। माना हुआ है आई बराबर वन अपॉन टू वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस रूट थ्री बाई टू होल स्क्वायर डी एस। आई बराबर वन अपॉन टू किसका सूत्र है, वन अपॉन ए टेन इनवर्स टी अपॉन ए प्लस सी, दो से दो कट जाएंगे। आई बराबर कितना आ गया, वन अपॉन रूट थ्री टेन इनवर्स टू एस अपॉन रूट थ्री प्लस सी, एस बराबर वन अपॉन रूट थ्री टेन इनवर्स टू एस का मान कितना, टू टी प्लस वन अपॉन रूट थ्री प्लस सी। आई बराबर जब तक मान तक ना पहुंच जाओ एक्स तक, तब तक उत्तर मत छोड़ देना। टी का मान क्या है, टेन एक्स, तो टू टेन एक्स प्लस वन अपॉन रूट थ्री प्लस सी, और ये रहा उत्तर। दो पार्ट बड़े हैं, एक तो ये बड़ा है, सबसे पहले प्रश्न को क्या बनाते हैं, समघाती बनाते हैं। समघाती बनाने के बाद कॉस स्क्वायर से अंश भार में भाग दिया, भाग देने के बाद आपको ये प्राप्त हुआ। मान लिया टेन एक्स, जब कॉस स्क्वायर एक्स से भाग लगेगा तो निश्चित है टेन एक्स ही बनाना है, बटे में टेन बनाना है, ऊपर सेक स्क्वायर रखा ही इसलिए है, डी टी में चेंज हो गया। अब यहाँ से वही प्रोसेस है, सवाल नंबर पहला ही था पिछली वाली एक्सरसाइज में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन आपने इस तरीके सॉल्व किया था, जैसे सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करके लाइए। तो इसे क्या मान लिया एस, अब एस के पदों में मिला एस अपॉन रूट थ्री। अब सबसे पहले एस का मान रखा यहाँ से टी के पदों में, फिर टी का मान रखा यहाँ एक्स के पदों में, तब ये कंप्लीट हुआ है। ठीक है, आगे इस प्रकार के प्रश्न लेकर फिर से उपस्थित होंगे, तब तक करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।